नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, बारिश की मौसम जा रही है और ठंड दस्तक दे रही है और आकाश भी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, इसलिए स्काई वॉचिंग की सीज़न बहुत नज़दीक के भविष्य में शुरू हो जाएगी। और स्काई वॉचिंग की जब बात आती है तब उसमें सबसे पहला नाम आता है टेलीस्कोप का। आज आप देखेंगे, मैं आपके सामने बिल्कुल अलग प्रकार का टेलीस्कोप दिखाने के लिए मैं आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। और ये टेलीस्कोप क्यों बनाया, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे सेंटर में, अंकुर हॉबी सेंटर में, बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, हॉबीस्ट आते हैं और उनकी अलग अलग प्रकार की डिमांड होती है। खास करके साइंस कम्युनिकेटर टीचर्स की डिमांड ये होती है कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिससे बच्चों को, जो भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट बच्चों को ठीक तरह से समझा सके। तो वही चीज़, उसी चीज़ के लिए ये एक नया प्रकार का टेलीस्कोप आपके सामने यहाँ पे रखा है। ये एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, न्यूटन ने जिनकी डिज़ाइन की थी। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राइमरी मिरर होता है, यहाँ पे 45 डिग्री पे एक मिरर रखा है, सेकेंडरी मिरर, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आईपीस के पास आता है रेज। और फोकसिंग करने के लिए नॉर्मल टेलीस्कोप के अंदर रेकन पिनियर होता है, लेकिन यहाँ पे रेकन पिनियर रखेंगे तो इनकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए फोकसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है स्क्रू सिस्टम। यहाँ से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आईपीस को ऊपर या नीचे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। देखो, ये ऊपर आ गया, और नीचे ले जाना है तो नीचे भी ले जा सकते हैं। तो ये फोकसिंग के सिस्टम, यहाँ पे एक स्क्रू सिस्टम है। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, इस टेलीस्कोप को मैं जिस तरह से चाहूँ इस तरह से उनको घुमा सकता हूँ। मैं घुमा के इस तरफ रखता हूँ क्योंकि ये टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खासियत मुझे आपको दिखानी है। यहाँ पे देखेंगे कि ये टेलीस्कोप सबने देख लिया, लेकिन ये टेलीस्कोप किस तरह से काम करता है, इनका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो मुझे दिखाना है। तो ये व्यवस्था ये इस टेलीस्कोप के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको खोल देता हूँ तो पूरा टेलीस्कोप का क्रॉस सेक्शन आपके सामने आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी बाहर से किरण आती है, ये सबसे पहले जाती है प्राइमरी मिरर के अंदर। ये प्राइमरी मिरर है, यहाँ से सारी किरणें रिफ्लेक्ट होके, फोकस होके एक सेकेंडरी मिरर जो यहाँ लगा है, वहाँ ये 45 डिग्री पे होता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर आईपीस के ऊपर जाता है। यहाँ से हमें कुछ भी, हमें देखना है तो देख सकते हैं। और पूरा टेलीस्कोप किस तरह से काम करता है ये हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों को एस्ट्रोनॉमी या तो टेलीस्कोप के बारे में सिखाने के लिए। इसकी टेलीस्कोप की खासियत ये भी है कि इनसे मून क्रेटर भी बिल्कुल साफ दिखता है। तो ये तो रही टेलीस्कोप की बात, लेकिन इस सीज़न में सबसे पहली बहुत महत्वपूर्ण घटना होने जाने वाली है, घटना होने जाने होने वाली है, उनका नाम है सोलार इक्लिप्स। दिवाली के दिन ही ये घटना होने वाली है और उनको देखने के लिए हमने खास प्रकार के चश्मे बनाए हैं। इसको देखने से आँख को जरा भी नुकसान होता नहीं है। ये सर्टिफाइड फिल्म का हमने यूज़ किया है, बहुत कम लागत में ये चश्मे आपको मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस साल हमारी स्काई वॉचिंग की सीज़न बहुत अच्छी जाएगी। इसी शुभकामना के साथ मैं धनंजय रावल, अंकुर हॉबी सेंटर, अहमदाबाद।